सो व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ आके बैठ गए एक कुटिया में, तो ये है बाड़मेर से पहले हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं। माता का मंदिर है यहाँ पे। तो ये मंदिर की क्या खासियत है ना, वो भी मैं आपको सुबह बताऊंगा, जो यहाँ के पुजारी जी है वो बताएंगे। तो अभी हम लोग नाइट कैंपिंग करेंगे इस कुटिया में, और कहाँ सोएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये छोटा सा किचन बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। और सामान तो है वैसे ही पहले से, गैस है, सारी चीजें रखी हुई, बट हम लोग अपना सामान यूज करेंगे। और यही पे बोला है उन्होंने खाना बनाने के लिए, तो यही पे बनाएंगे। थोड़ा और ले लेना, बहुत हो जाएगा। अरे कम हो गया तो नहीं हो, रस्सा वाला नहीं बना रहे ना, दो और ले लो। मुझे लगता है वो बच्चों को बुला लेना चाहिए था खाने के लिए। आ गया। हाँ कैसा काटू सब्जी के लिए ना? हाँ चार फाका। हाँ चार। आज कितना लो चावल? चार। चार ले। उस दिन कितना लिया थे? तीन लिए थे। तीन ही लीजिए, सिर्फ आज राइस है। और छोटा? हाँ बस छोटा किया तो भी चलेगा। तीन ले लेता हूँ। हाँ तीन ही लीजिए, तीन से कम लेता हूँ। उस दिन दो ही लिया था, नहीं तीन लिया तीन था लिए थे। और नहीं राइस ये था ना, कितनी हो जाएगा? कितनी? एक दाल हम लोग थोड़ा सा वो भी खाए हैं। हाँ तो अपना चावल चढ़ चुका है अभी, और दुर्गेश भैया लगे हैं सब्जी काटने में। हाँ ये देख, राधे 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 बोल, ऐसा था ना? ऐसा नहीं था। राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, इसके आगे भूल जाता हूँ मैं। हाँ यार, ये ट्रैवलिंग ना कितने सारे एक्सपीरियंस देती है ना अपने को। मतलब वो सच है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो सफ़र का होता है। हम लोग इस रात तो सफ़र को ही अपना मंजिल बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि नीचे से निकलते नहीं घाट, कोई ठिकाना नहीं, जहाँ मन वहाँ रुक गए। बस बस बस, जहाँ अंधेरा वहाँ अपना डेरा। हाँ सबका ये होता है ना भगवान, वैसे ही अपना भी नियत साफ। चांद मामा आ गया भाई ऊपर से अभी। और संतोष जी थैंक यू फॉर लाइट, और थैंक यू फॉर दिस। क्या व्हाट दिस? हाँ ये पानी के ये देने के लिए भी, हालांकि ये थोड़ा पंचर हो गया यहाँ से, बट हमने उसको जुगाड़ कर दिया है। अपने पास हर मर्ज की दवा है। एक चीज का दवा नहीं है। कौन सा? नहीं बताएंगे अभी। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। लगाने का मन करता है।
के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के जाना तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरा फोन टूट गया नीचे रखा हुआ था भाई बच गया ये मेरे तो दो उसको खाली कीजिए ना किसको मिर्ची को हाँ खाली करता हूँ दो मिनट अभी तो टमाटर काटेंगे ना हाँ इसे टमाटर तो बाद में काटा जाएगा हाँ ये हो गया अभी क्या मिर्च डालनी है ना पहले भैया टमाटर दो जल्दी दो थोड़ा सा हींग डालेंगे जरा सी हल्दी लाल मिर्च खटैया हम ही करते हैं इधर तो भाभी जी इतना मोटा मोटा तो और पतला चलेगा ना टमाटर है अभी खाएंगे तो मैं और पतला क्या इधर बोला था ना बस टमाटर डाल दे ये तो ढाबे स्टाइल वाला बन गया आज तो टमाटर ऐसे ही काट देते हैं ढाबे में क्या हाँ एक ढाबे पे हम लोगों ने खाया था याद है कि तुझे अंडा भुर्जी को क्या बोल रहे थे वो केरला में साउथ में कहीं उधर आंध्रा में आंध्र प्रदेश हाँ रात को जो अपना उधर का आपके महाराष्ट्र का जो था हाँ मुंबई से था एग्जैक्टली भाई जो बोल रहे वो बराबर तेरे दिमाग में वहां पे गाड़ी घूम के आ जाती है ना पूरा घूम एक एक चीज आ जाएगी ओ कुपिराम जी बोल रहे थे आपका जोड़ी तो जबरदस्त है आलू डाल दे आज ना चाचा का ये ले लेंगे हम लोग क्या रखने के लिए आज तो बहुत सारा बर्तन है एक हम लोग के पास ना एक बर्तन कम जाता है वो ढकने वाला ढक्कन नहीं है वो फिर से धो के रख देना वो पानी मत डाल पानी इधर फेंक दो हाँ इधर पूरा बालू ही है ना वो ये देना मुझे यार किसी का हक होगा क्या हक होगा किसी का जो गिर गया उसमें से इसमें दो दो क्यों दिए थे आप मुझे वैसे ही था वो अरे मत निकाल वैसे ही नहीं था अरे ये बट ऐसा बना हुआ है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ इसका ये निकला हुआ है ना इसका दशा मतलब तो ऐसा सेट रहता है क्या डबल डबल है वहाँ से चम्मच है ना नहीं नहीं ऐसा ही पता नहीं क्या सीट है वो एक में एक फंस गया चाय पीने का होगा कुछ होगा ऐसा बाहर में इसी में चाय गया था ना हाँ ये गुजरात में ऐसे चलता है ना हाँ क्या कटोरा में देंगे चाय पीने ताकि ठंडा हो जाए जल्दी से सुबह चाय गिर गया था मेरे पैंट का बट उसने फिर से दे दिया देखना बोला नहीं यार मेरी गलती से गिरा है कोई प्रॉब्लम अरे नहीं मालिक गुजरात और राजस्थान के लोग मतलब अच्छे हो बहुत अच्छे वाह वाह पानी जाएगा इसमें नहीं ना इसमें पानी नहीं जाता कल भी आप पूछे थे नहीं आलू है ना इसलिए मैंने पूछा थोड़ा डाल दिया ऐसा लगेगा
तो अभी खाना बन के रेडी हो चुका है अपना, अब थोड़ी सब्जी को पकने के लिए बाकी है। नहीं उसमें नहीं, तो सब्जी बस पकने ही वाली है, तो सब्जी पक जाए तो हम लोग खा लेंगे। पहले अभी ये थोड़ा सामान समेट लेते हैं अपना और रख लेते हैं। और वो सही है उसमें ना फैलता नहीं इधर उधर, सब एक जगह रहता। हाँ तो सब्जी देखो क्या मस्त है और खुशबू भी इतनी मस्त आ रही है ना। तो ये है आलू टमाटर और बंदा गोभी, बंद गोभी और राइस प्लेट। यहाँ पे बैठेंगे और खाएंगे। तो आज दुर्गेश भैया परोसेंगे खाना। अरे जला हो गया, जल गया थोड़ा सा, एक सीटी ज्यादा लग गई। हाँ वही तो, इतना सब दे दो मेरे को। हाँ तो लोग बोलेंगे सचिन भैया को कम खिलाते हो, खुद ज्यादा खाते हो। हाँ अच्छा मतलब मुझे जला हुआ देना था। नहीं उसमें से इसमें डाल क्या होगा, अभी देखने दीजिए। नहीं 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 बराबर, नहीं बराबर, अरे बराबर, एक बार देख, एक बार देख, ठीक है चल। अब मेरे इसमें मत डाल, जगह नहीं है, बैठते खाते हैं। अरे सॉफ्ट सॉफ्ट राइस, वाह शाबाश। किसको शाबाश बोल, हम ही को शाबाश ही बोलेंगे। बढ़िया, ना जरा भी कुछ भी कम नहीं है, ना तो ज्यादा है, ना ज्यादा ना कम, परफेक्ट बना। अब तो तुम बोलते हैं कहीं पे ढाबा खोले, दोनों आदमी वही चलाते हैं। फेल यूट्यूबर्स ढाबा। फेल्योर, फेल्योर यूट्यूबर्स ढाबा। आलू भी पक गया, क्या मस्त बना यार। मतलब मैं खुद अपने खाने की तारीफ करूं, बताओ मियां, बहुत अच्छा है सच में। सच में ना बढ़िया। अभी आप फिर मुंह देख के मत जज कीजिए। आज अच्छा है सच में, सच में अच्छा है। वो तो मुंह देख के तो बकरी के दूध किया। बेड रेडी है हमारे, यहाँ पे मैं सोऊंगा, यहाँ पे दुर्गेश भाई सोएंगे और इसके नीचे है आज ये कुटिया के नीचे हम लोग सोने वाले हैं। ये अपना डिक्रो इधर है। अरे बाप रे भाई, इससे सुकून और कहीं नहीं हो सकता। खटिया पे मैं पिछले कई सालों से नहीं सोया हूँ, आज वो मौका मिला है। हमारे गांव में मैं सोया था, उसके बाद में आज मैं सो पा रहा हूँ। वाह वाह वाह। और अगर सुबह मेरे ना बॉडी पे ये खटिया के जो क्या बोलते हैं उसको, दोरी है, इसके छापे जब छप जाएंगे ऐसे। चलो सो जाता हूँ, गुड नाइट, बंद कर देना भाई।